कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। हरियाणा में गिरफ्तारी, दिल्ली में ड्रामा, सूरत में तहकीकात, अब खुलेगा नारायण का हर राज। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए बलात्कार के आरोपी नारायण साईं। वही नारायण साईं जो शहर दर शहर पुलिस को छकाता रहा। देश बदल बदल कर दुनिया की नजरों से बचता रहा। उस नारायण साईं का 58 दिन से जारी आंख में चौली का खेल अब खत्म हो चुका है। मंगलवार रात हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली के पास नारायण साईं को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने थर दबोचा और बुधवार को जब दिल्ली चुनाव के रंग में डूबी थी, अचानक नारायण साईं की गिरफ्तारी की खबर ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। हैरानी की बात है कि जिस नारायण साईं को भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज है, जिस पर यौन शोषण के कई आरोप लगे हैं, गिरफ्तारी के बाद उस नारायण साईं के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। इतना ही नहीं, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि बुधवार को नारायण साईं को जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लाया गया तो उनके स्वागत में नारायण के समर्थकों ने रास्ते पर फूल बिछा रखे थे। नारायण साईं के समर्थक उनका स्वागत इस अंदाज में कर रहे थे जैसे वो वनवास से लौटे हों। फूल नारायण साईं जी के लिए बिछा रहे हम लोग, सब भक्तजन नारायण साईं जी के स्वागत में फूल बिछा रहे हम लोग। ये फूल आप किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं हमने होली में? तो ये आप उनके स्वागत के लिए यहाँ पर? ये बिल्कुल स्वागत के लिए है, उनके नारायण साईं जी के स्वागत और समर्थन दोनों ही है और देश को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये इनके अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और सब भक्त इकट्ठे हम लोग। ठीक है, तो ये नारायण साईं के जितने भी जो स्वागत करने के लिए नारायण साईं जी ने गिरफ्तार किए हैं बलात्कार के केस में, लेकिन जो समर्थक है नारायण साईं के वो यहाँ पर फूल बिखेर दिए हैं नारायण साईं की स्वागत में। आसाराम के बेटे नारायण साईं के समर्थक उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन ये नारायण साईं 28 दिन से कहां छिपा था, क्यों पुलिस से भागता फिर रहा था, ये कहानी अब दिल्ली पुलिस सुना रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नारायण साईं को पकड़ने के लिए वो कई दिनों से सूरत की पुलिस के साथ साझा मिशन पर लगे थे। नारायण साईं को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह छापे मार रही थी और इसी दौरान दिल्ली पुलिस को रमेश नाम के उस शख्स का पता चल गया जो नारायण साईं का ड्राइवर था। और फिर इसके बाद नारायण साईं की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब हमें ये पता चला कि एक आदमी है जो कि ये रमेश जो कि ड्राइवर का काम करता है उसके कॉन्टैक्ट में है, तो उस व्यक्ति को जब हम मिले तो उसने हमें बताया, उसको फिर हमने और वेरीफाई किया तो हमें ये पता चला कि ये लुधियाना में है। हमारी टीम लुधियाना गई, वहाँ पर पता चला कि वो एक सफ़ेद इको स्पोर्ट गाड़ी में निकले हैं और वहाँ से निकलने के बाद फिर हमने उस
गाड़ी के बारे में और जिक्र करके और हमने यहाँ से अपनी टीमें भेजी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नेशनल हाईवे नंबर 1 जो लुधियाना से दिल्ली की ओर आता है उस पर जो राजपुरा है, जीरकपुर है, अंबाला है, इस जगह पर जगह जगह पर अपनी टीमें तैनात की जिससे इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जाए। और फिर आखिरकार ये जानकारी मिली कि अंबाला से कुछ देर पहले ही वो गाड़ी निकली है। उसी आधार पर दिल्ली पुलिस की एक और टीम वो हरियाणा की तरफ चलती है और साथ में और एक गाड़ी इको स्पोर्ट जो कुरुक्षेत्र के पिपली इलाके में इंटरसेप्ट की जाती है, ग्रे कलर की इको स्पोर्ट गाड़ी होती है और एक फिस्टा गाड़ी होती है। इन दो गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया, पिपली में किया गया, रोका गया उनको और उसमें गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। उसके आधार पर उनसे पूछताछ की गई तो जो एक शख्स था जो कि पैंट और टी शर्ट में था और साथ ही दाढ़ी भरी हुई थी और सिर पर एक पगड़ी लगाई हुई थी, वो शख्स दिल्ली पुलिस को लगा कि ये नारायण साईं हो सकता है। उसके आधार पर 3 लोगों को और उनकी गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उनको दिल्ली के क्राइम ब्रांच में रोहिणी के दफ्तर में लाया गया। क्राइम ब्रांच में वहां पर इंटरोगेशन की गई और साथ ही सूरत पुलिस को भी संपर्क किया गया क्योंकि दिल्ली में कोई मामला दर्ज नहीं था। नारायण साईं पर 5 लाख का इनाम सूरत पुलिस ने घोषित किया हुआ था। सूरत पुलिस सुबह में पहुंचती है और तस्दीक कर देती है कि दरअसल यही नारायण साईं है। पुलिस ने जब नारायण साईं को गिरफ्तार किया तो उसने पैंट, टी शर्ट और जैकेट पहना हुआ था। उसने सिर पर पगड़ी भी बांध रखी थी। नारायण साईं को इस रूप में देखकर एक बार तो पुलिस भी चौंक गई, लेकिन बाद में सूरत पुलिस की मिली जानकारी से उसकी पहचान हो पाई। वो बेसिकली अपने जो कपड़े थे नॉर्मल जो एक इंसान पहनता है वैसे कपड़ों में थे और सिर पे पगड़ी लगाए हुए थे। कोशिश जरूर की थी कि सिख के भेष में रहे वो। नहीं नहीं, दाढ़ी मूछ नहीं मुड़ाई थी उनकी, दाढ़ी मूछ में थे और पगड़ी पहने हुए थे और सिखों का जो एक परिधान होता है उसमें थे। नारायण साईं के साथ पुलिस ने उसके खास सहयोगी हनुमान और ड्राइवर रमेश को भी गिरफ्तार किया और इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गई है भाविका नाम की वो महिला जिसका खुलासा सूरत की पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं की खास सेविका भाविका फरार होने के दौरान उसकी मदद कर रही थी। भाविका इनके आश्रम का जो आश्रम है अहमदाबाद में वहाँ पे संचालिका है और पिछले कई दिनों से वो सर्वेलांस में थी क्योंकि उन्होंने वो एक संपर्क थी नारायण का साथ और उनके जो दूसरे लोग हैं जो उनकी कोर्ट में या कचहरी में मदद कर रहे हैं उनके बीच में और वो हमारे सर्वेलांस में थी, उनको भी हम काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे थे। पुलिस ने नारायण साईं के ड्राइवर रमेश को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रमेश नारायण साईं के कई चौंकाने वाले राज का खुलासा कर सकता है। दरअसल जो रमेश मल्होत्रा था वो ड्राइवर का काम तो करता ही करता था, साथ ही जो शिविर होते थे आसाराम के उन शिविरों में जाकर वो उन लड़कियों को तलाश करता था जिनको पसंद करता था। नारायण साईं लड़कियों को चुनता था अपने आश्रम में आकर और उसके बाद ब्रेन वॉश का काम करता था रमेश मल्होत्रा उन लड़कियों का और उनको प्रोवाइड किया जाता था नारायण साईं को, साथ ही जो ब्लू फिल्म बनाने का भी काम जो था वो करता था रमेश मल्होत्रा। पुलिस की गिरफ्त में आया हनुमान नाम का शख्स भी नारायण साईं का राजदार है। हनुमान भी नारायण साईं के फरार होने के दौरान लगातार उसका साथ देता रहा। बुधवार को नारायण साईं और बाकी आरोपियों को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पेशी से पहले कोर्ट के बाहर का नजारा हैरान कर देने वाला था। नारायण साईं के समर्थक कोर्ट के बाहर रास्ते में फूल बिछाकर उनके स्वागत में खड़े थे। रोहिणी कोर्ट के बाहर नारायण साईं के खिलाफ कुछ लोग नारे भी लगा रहे थे और कुछ देर तक वहां खूब हंगामा होता रहा। गिरफ्तारी के बाद नारायण साईं को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया तो वहां सूरत की पुलिस भी पहुंच चुकी थी। सूरत की पुलिस ने कोर्ट से नारायण साईं और बाकी आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मांगी ताकि सूरत की युवती से बलात्कार के केस की तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। नारायण साईं की तरफ से अदालत के सामने उनके वकीलों ने दलील दी कि नारायण साईं की देश के अलग अलग हिस्से में संपत्तियां हैं और वो एक गणमान्य नागरिक है, जिस पर अदालत ने तुरंत ही सवाल डाल दिया कि यदि नारायण साईं गणमान्य नागरिक है तो फिर
इतने लंबे समय से पुलिस से बचते क्यों फिर रहे थे। नारायण साईं को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रोहिणी कोर्ट में लंबी बहस हुई और आखिर में कोर्ट ने नारायण साईं को सूरत पुलिस को सौंपने का आदेश दे दिया। करीब दो घंटे तक बहस का दौर चलता रहा और जिसके बाद अदालत ने फैसला दिया है, नारायण साईं और उनके दोनों साथियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिया है सूरत पुलिस को। 24 घंटे के भीतर सूरत पुलिस को उन्हें सूरत कोर्ट के सामने पेश करना हुआ। हम उसमें ट्रांजिट पे इस आधार पर मांग रहे थे कि उन्हें मतलब लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, यहाँ कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं, प्रोफेशनल की इतनी प्रॉपर्टी है, संत है, तो उन्हें पेश होने की अनुमति दे दी जाए, वहाँ पेश हो, ये थी। बुधवार शाम तक ये सस्पेंस बना रहा कि सूरत पुलिस नारायण साईं और बाकी आरोपियों को कब और कैसे सूरत ले जाएगी। एहतियात के लिए पुलिस इस बारे में आखिरी वक्त तक कुछ भी कहने से बचती रही। वो हमने डिसीजन लिया हुआ है, वो जब आएंगे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ रखेंगे। नारायण साईं और बाकी आरोपियों के सूरत पहुंचते ही सूरत की पुलिस तहकीकात शुरू कर देगी। सूरत की जिस युवती ने नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया है, उसने नारायण साईं के बारे में कई और खुलासे किए हैं। पुलिस जमुना नाम की महिला से पूछताछ करेगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बच्चे का पिता नारायण साईं है। जाहिर है 58 दिन तक पुलिस से भागते फिर रहे नारायण साईं के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं और उसे भी पिता आसाराम की तरह जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिनव उपाध्याय, जावेद मंसूरी और नीरज राजपूत की रिपोर्ट। इस फ्रिज में कैद है मौत की वो कहानी जो आपको दहला देगी। जी हाँ, इस फ्रिज के अंदर आप जो ये पैकेट देख रहे हैं उसमें कोई खाने पीने का सामान नहीं, बल्कि इस पैकेट में रखे हैं एक महिला की लाश के 3 टुकड़े। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि मौत का ऐसा खौफनाक मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कातिल ने महिला को बड़ी ही बेरहमी से मारा है और फिर उसकी लाश के कर दिए हैं 4 टुकड़े। पहले 3 टुकड़े यहाँ इस फ्रिज में हैं और चौथा टुकड़ा रखा है इस बेड पर। पूरा घर मौत की डरावनी कहानी बयान कर रहा है। कातिल ने न सिर्फ महिला का कत्ल किया है बल्कि दरिंदगी की सारी हदों को भी पार कर दिया और ये तस्वीरें उसी दरिंदगी की सबसे बड़ी गवाह हैं। मौत की इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर मरने वाली वो महिला कौन है, वो कौन है जिसे कातिल ने बेदर्दी से मौत के घाट उतारा, जिसकी लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे फ्रिज के साथ ही यहां इस बेड पर इस हालत में छोड़ दिया। तो सुनिए, मरने वाली उस महिला का नाम है मधुवंती और उसका कातिल भी कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है। नाम है गिरीश श्रीराम पोटे। पुलिस के मुताबिक अपने पति गिरीश की दरिंदगी की शिकार बनी मधुवंती एक एनआरआई थी। वो फ्रांस में रहती थी लेकिन 4 साल पहले जब वो मुंबई आई थी तभी उसकी पहली बार गिरीश से मुलाकात हुई और फिर वो पहली मुलाकात ही प्यार की कहानी में बदल गई। गिरीश और मधुवंती ने शादी कर ली लेकिन तब किसने सोचा था कि एक रोज दोनों की जिंदगी की यही कहानी मौत की खौफनाक हकीकत में बदल जाएगी।
मीरा रोड के नक्षत्र टावर में रहने वाला गिरीश मधुवंती की हत्या कर देगा और फिर उसकी लाश के कर देगा टुकड़े टुकड़े। पुलिस के मुताबिक शुरुआती छानबीन में ये पता चला है कि गिरीश और उसकी पत्नी मधुवंती दोनों की आपस में बनती नहीं थी। मधुवंती वापस फ्रांस जाना चाहती थी, जबकि गिरीश को किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी का यह फैसला मंजूर नहीं था। बस इसी बात पर मंगलवार को दोनों का झगड़ा इतना बढ़ा कि गिरीश ने मधुवंती का कत्ल कर दिया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मीरा रोड के नक्षत्र टावर की 14वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 14-3 के बाहर। इसी फ्लैट में कल एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। अभी आप देख सकते हैं फ्लैट के अंदर मौजूद है मीरा रोड की पुलिस, थाने पुलिस, जो यहाँ तफ्तीश कर रही है, जांच यहाँ चल रही है। कल करीब शाम को ये घटना हुई 4 से 5 के बीच। पुलिस के मुताबिक मधुवंती की हत्या के बाद गिरीश बेहद डर गया था। उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा और इसलिए अपने गुनाह पर पर्दा टालने के लिए उसने अपने चचेरे भाई को फोन कर मीरा रोड के एक मॉल में बुलाया। मॉल में गिरीश के खूनी खेल की कहानी सुनकर उसके चचेरे भाई के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गिरीश मधुवंती की लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन उसके भाई ने उसकी कोई मदद नहीं की और फिर पुलिस को फोन कर दिया। हत्या की एक सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस गिरीश के घर पहुंची और जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस वाले भी कांप गए। गिरीश ने हत्या के बाद अपनी पत्नी मधुवंती की लाश के 4 टुकड़े कर दिए थे। पहले 3 टुकड़े फ्रिज में रखे थे, जबकि 4वां टुकड़ा एक बेड पर पड़ा था। और उसने कल अपनी बीवी की दोपहर को 1 से 1.5 बजे के दरमियान हत्या की है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। उसने, उस व्यक्ति ने जिसका नाम श्रीराम पोटे बताया जा रहा है, उसने अपने भाई से अपनी पत्नी मधुमती की हत्या की बात कबूली। बाद में उसी के भाई ने यहाँ के पास के गोल्डन नेस्ट पुलिस चौकी में जाकर पुलिस को इत्तला की। बाद में पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस यहाँ पर आकर उन्होंने तफ्तीश की, छानबीन की, तो पता चला कि हत्या हुई है। फ्रिज में शरीर के 3 टुकड़े पड़े थे और बेडरूम में 1 टुकड़ा। घर के फ्रिज में रखे मधुवंती के लाश के टुकड़ों ने वहां मौजूद तमाम पुलिस वालों के होश उड़ा दिए और फिर कत्ल के इल्जाम में गिरीश को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस के सामने गिरीश और मधुवंती के बीच होने वाले झगड़ों की कई वजहों का पता चला है और अब वो हर वजह की कर रही है पड़ताल, ताकि पति से दरिंदा बने गिरीश की इस खूनी कहानी का पूरा खुलासा हो सके। गिरीश के परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे पैसों को लेकर, और ये इसके पीछे की वजह हो सकती है। पुलिस आगे गिरफ्तारी के बाद छानबीन करेगी, तफ्तीश कर रही है और रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी, और रिमांड में इस हत्या के पीछे की असली वजह जानने की पुलिस कोशिश करने जा रही है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज, मीरा रोड, ठाणे। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।